Uh, कि अगर नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ हमारे प्रीवियस वीडियो के पार्ट वन टू थ्री लिमिट के जो पार्ट्स हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स नंबर एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ एक्स मतलब हमने क्या किया कोई एफ एक्स कोई फंक्शन लिया और उसका जो एल जो है वो जो भी नंबर होगा एल वो उसका लिमिट होगा एट पॉइंट एक्स इज इक्व टू ए इफ एनी आर्बिटरी चूज एन पॉजिटिव नंबर एप्सलॉन एंड एनी पॉजिटिव नंबर डेल्टा हमने दो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर चूज किए हैं एप्सलॉन एंड डेल्टा तो ये एप्सलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहता है ये इसका मेन पॉइंट है देखिए जीरो इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सलॉन ये हमारा मेन पॉइंट है आ, इसमें जो पॉइंट होगा एक्स माइनस ए वो हमेशा डेल से, से लेस होगा और जो फंक्शन ले रहे हैं और इसके जो लिमिट है दोनों का डिफरेंस जो है वो एप्सलॉन से छोटा होगा तो यही जो है हमारा एप्सलॉन डेल्टा डेफिनेशन है आइए इसको हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स वे आर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए

x माइनस ए को हमने एक बार प्लस में लिया x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा एक्स माइनस ए को हमने एक बार माइनस में लिया इज लेस देन डेल्टा अब यहाँ से देखते हैं हम a को यहाँ से हम डिप्स ट्रांसफर करेंगे डेल्टा की तरफ तो x इज लेस देन डेल्टा प्लस ए हो जाएंगे और इसमें आ, इसको आगे अगर बढ़ाए तो x इज लेस देन ए प्लस डेल्टा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस वाला पार्ट को अगर देखिए हम तो यहाँ पर जब माइनस के साइन को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस से दोनों साइड में अगर हम दोनों इनिक्वालिटी जो है इसमें दोनों साइड में अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो है ये चेंज हो जाएगा यानी कि जो लेस देन का साइन दिख रहा है वो ग्रेटर देन हो जाएगा और ये जो है एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा हो जाएगा तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस ए हो जाएंगे तो प्लस ए माइनस डेल्टा तो हमारे कंडीशन क्या मिला कि एक्स की जो वैल्यू है वो ए माइनस डेल्टा से बड़ी है और ए प्लस डेल्टा से छोटी है यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा आगे हम सेम एज इस वाले जो फंक्शन हमारा पार्ट दिख रहा है फंक्शन और लिमिट वाला उसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी मॉड के कंडीशन होने के कारण यहाँ पर दो दो कंडीशन हमको मिलेंगे एक प्लस वाली कंडीशन एक माइनस वाली कंडीशन तो हमने सबसे पहले एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन लिया और एक माइनस एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एफ्सलॉन तो सेम वही हम दोनों को सॉल्व करना है यहाँ से हम एल को ट्रांसफर करेंगे तो एफ एक्स इज़ लेस देन एल प्लस एफ्सलॉन आ जाएगा और यहाँ से जब माइनस साइन को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा यानी कि एफ एक्स माइनस एल इज ग्रेटर देन माइनस एप्सलॉन ये हो जाएंगे यानी कि हमको मिलता है इस एल को ट्रांसफर करने के बाद एफ एक्स इज ग्रेटर दैन एल माइनस एप्सलॉन तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो एल माइनस एफ्सलॉन और एल प्लस एफ्सलॉन के बीच में होंगी यानी कि हमको मिलता है यहां पर एल माइनस एफ्सलॉन इज लेस देन देस इज लेस एल प्लस एफ्लॉन यानी कि इन ये क्या हो रहा है एक्स की वैल्यू किसपे बिलोंग करेगी इन दोनों पॉइंट के ऊपर इंटरवल में बिलोंग करेगी यानी कि ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा और एफ एक्स की वैल्यू जो है वो इन दोनों इस लिमिट में बिलोंग करेगी यानी कि एल माइनस एफ्सलॉन कॉमा एल प्लस एफ्सलॉन में तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं इसका ग्राफ अगर देखिए हम एक्स एक्सिस में क्योंकि एक्स की वैल्यू ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस में इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि हमने कोई आ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है जो कि माइनस इन्फोनाइट टू प्लस इन्फोनाइट है अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया ए इस पॉइंट पर अगर देखते हैं इस पॉइंट के लिए एक लाइन यहाँ से जा रही है ये पॉइंट ए का लाइन है और इसी के आसपास अगर हम देखिए इसके लेफ्ट साइड में जो है हमारे पास ए माइनस डेल्टा मिलेगा और इसका राइट साइड में ए प्लस डेल्टा क्योंकि लेफ्ट साइड में जो है वैल्यूज़ कम होती है इसलिए माइनस डेल्टा हुआ है और राइट साइड में जो है वैल्यूज़ बढ़ती है इसलिए प्लस डेल्टा हुआ है सेम एज हम देखेंगे इसके लिए वाई एक्सिस में क्योंकि एफ़ एक्स है एफ़ एक्स को हम वाई एक्सिस में लेते हैं वाई एक्सिस में इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि यहाँ पर जो है पॉइंट एल से कुछ कम हुआ है एप्सलॉन और कुछ ज़्यादा हुआ है एप्सलॉन यहाँ पर तो यहाँ पर जो है एल हमने कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिया इस पॉइंट में हम देखते हैं ऊपर की तरफ जाने पर हमको मिलता है एल प्लस एप्सलॉन और नीचे की तरफ जाने पर हमको मिलता है एल माइनस एप्सलॉन तो ये जो है एल जो है इसके आस की वैल्यूज़ होंगी और इन दोनों का डिस्टेंस जो हमको दिख रहा है वो है एप्सलॉन ये जो है एफ के लिए ग्राफ हमारे पास बन गया देखिए ओवरऑल ओवरऑल का अगर ग्राफ देखते हैं तो लेट वाई एज इक्व टू एफ एक्स भी एनी फंक्शन हमने कोई फंक्शन ले लिया है वाई एज इक्व टू एफ एक्स तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस लिया है और एक वाई एक्सिस लिया है तो इसमें एफ एक्स का जो एक ग्राफ बन रहा है यहाँ पर ये इसके जैसे एक एफ एक्स के यहाँ पर ग्राफ बना तो यहाँ पर हमने कुछ एक्स एक्सिस में पॉइंट लिया है एक्स ए माइनस डेल ए और ए प्लस डेल ये हमने तीन पॉइंट्स लिए हैं यहाँ से हमने कुछ लाइनें ड्रॉ की है यहाँ पर और वहाँ से इसमें वाई एक्सिस में अगर देखिए हमने कुछ पॉइंट लिया है एल माइनस एप्सलॉन एल और एल प्लस एप्सलॉन तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की है तो ये लाइन जो है इस जो ग्राफ है उसको इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं देखो एक्सिस में पॉइंट ए और वाई एक्सिस में पॉइंट एल हमने लिया है दोनों जो है इस पॉइंट पे जो है मीट हो रहे हैं सेम एस जो है ए माइनस डेल्टा और एल माइनस एप्सलॉन जो है इस पॉइंट पे और ए प्लस डेल्टा और एल प्लस एफ्सलॉन जो है इस पॉइंट पे यहाँ पर ये यह टच कर रहे हैं तो हमने इसको पॉइंट को यहाँ पर शो कर दिया है तो यही जो है ये ग्राफ जो है वही एप्सलॉन डेल्टा को शो करता है एप्सलॉन डेल्टा डेफिनेशन को ये शो कर रहा है तो आगे हम इसमें देखते हैं रिलेशन बिटवीन एप्सलॉन एंड डेल्टा आई होप कि आप सबको जो है एप्सलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है ये क्लियर हुआ होगा आगे अगर हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एप्सलॉन एंड डेल्टा तो रिलेशन बिटवीन एप्सलॉन एंड डेल्टा इज डिपेंड ऑन द फंक्शन एफेक्ट्स अब ये एप्सलॉन और डेल्टा के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो किसी फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि एप्सलॉन जो है वो डेल्टा से कितना ज़्यादा है या डेल्टा एप्सलॉन से कितना कम है वो जो इसके फंक्शन पर डिपेंड करेगा तो ये ऐसा नहीं है कि जो हम ग्राफ जो बताए हैं इसमें ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है हमेशा सेम होगा ये ज़रूरी नहीं है वो सेम भी हो सकता है डिस्टेंस और डिफरेंस भी हो सकता है देखते हैं यहाँ पर हमने कोई फंक्शन लिया वाइज इक्व टू फंक्शन को लेकर हमने एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं देखिए 2x फंक्शन के लिए हमारे पास जो है वैल्यूज मिलती है x की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखने पर हमको एफ एक्स की वैल्यू मिलती है 2 4 6 8 10 तो इसके लिए हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रा किया है ये देखिए फंक्शन y तो टू टू एक्स के लिए हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रा कर दिया तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये ग्राफ जो है वाई जिक्स टू टू एक्स का ग्राफ बना हुआ है पॉइंट्स को लेकर आप यहाँ पर ग्राफ ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर हमने देखो पॉइंट लिया है ए और ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा हमने थ्री पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पर भी हमने लिया एल माइनस एप्सन एल और एल प्लस एप्सनॉन हमने थ्री थ्री पॉइंट्स लिए अब ये इस ग्राफ को कहाँ पर टच कर रहे हैं देखो यहाँ पर टच कर रहे हैं ये ए वाला पॉइंट जो है यहाँ पर टच कर रहा है एल के साथ और ये पॉइंट जो है ए प्लस डेल्टा और एल प्लस एफ्सनॉन ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मीट हो रहे हैं तो हमको इस ग्राफ में थ्री पॉइंट्स मिल गए अब ये जो है एप्सॉन डेल्टा डेफिनेशन से ही है अब आगे देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन कैसे आएगा एप्सिलॉन एंड डेल्टा में रिलेशन कैसे आएगा लेट x इज इक्व टू ए और y इज इक्वस टू एल ये अगर हम लेते हैं सपोज देखो ग्राफ से x इज इक्वस टू ए ले रहे हैं हम पॉइंट और y इज इक्वस टू एल पॉइंट अगर ले रहे हैं इन दोनों पॉइंट को लेने पर हमारे पास फंक्शन था वाई इज इक्वस टू टू एक्स तो एल वाई की वैल्यू हमने एल पुटअप की और एक्स की वैल्यू हमने ए पुटअप की तो हमको मिलता है एल इज इक्वस टू टू ए सेम एस अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर ए माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं और वाई की वैल्यू एल माइनस एफ सी पुटअप कर रहे हैं यहाँ पर तो इसमें ये दोनों वैल्यू पुटअप करने पर वाई इज इक्वल टू टू एक्स हमारे पास फंक्शन था यहाँ पर वैल्यू हमने पुटअप किया एल माइनस एफ्स वन और यहाँ हमने पुटअप किया ए प्लस ए माइनस डेल्टा तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करने पर एल माइनस एफ्स वन इज इक्वल टू टू ए माइनस टू डेल्टा तो टू ए की वैल्यू क्योंकि हम जानते हैं इसमें फर्स्ट कंडीशन से हमने देखा था तो टू ए की वैल्यू जो है एल है तो यहाँ टू ए की वैल्यू हम एल यहाँ से पुटअप कर देते हैं तो ये दोनों दोनों साइड से जो है एल कैंसिल आउट हो जाएंगे और मिलेगा एफ्सलॉन इज इक्व टू टू डेल्टा यानी कि हमको यहाँ पर इसका रिलेशन मिल गया है एफ्सलॉन इज इक्वस टू टू डेल्टा अब आगे देखते हैं हम ए प्लस डेल एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू एल प्लस एफ्सलॉन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन है वाई इज टू टू एक्स तो एल वाई की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं एल प्लस और एक्स की वैल्यू ए प्लस डेल्टा तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और टू ए के जगह पर हमने एल पुट अप कर दिया तो ये दोनों एल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे हम हमको रिलेशन मिल जाएगा एप्सनॉन इज इक्वल टू टू डेल्टा तो यही जो है रिलेशन बिटवीन एप्सनॉन एंड डेल्टा है तो आई होप कि आप सबको ये जो है वीडियो पसंद आई होगी ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी अगर कुछ दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट लिख सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद